हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पीड्स पाठशाला। आज हम यूपी SSSC PET के लिए ज्योग्राफी का अगला क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुए। देखिए, आज हम देखेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय पड़ता है। सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय पड़ता है। काली और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय पड़ता है। तो इस तरह हमारा नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन हुआ है। अराकाना योमे पहाड़ी जो है, ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है और ये हिमालय का ही वह शेष भाग है, जबकि पूर्वोत्तर पहाड़ी ये हिमालय का ही भाग है। ये पूर्वोत्तर पहाड़ी भी और अराकाना योमे पहाड़ी भी, ये दोनों क्या है, हिमालय का ही भाग है। अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां हैं उसी के नाम से पहाड़ी है, यानी पहाड़ी और जनजाति एक ही नाम से है। डाफला, गिरी पहाड़ी, मिसमी, अमोर। डाफला, गिरी, मिसमी, अमोर पहाड़ी भी है और वहां की जनजातियां भी है। तो प्रमुख घाटियां देख लेते हैं। मुरखा, नुद्रा, सुरु, ये लद्दाख में पड़ता है। किन्नौर, कांगड़ा, सांगला, लादूल, नेपाल बोटी, जोटार, सौर, फूलों की घाटी, ये सब उत्तराखंड में पड़ता है। चुंबी घाटी, त्रांग घाटी, नाथ्रांग घाटी, ये सिक्किम में पड़ता है। संगती दिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। न्योर घाटी पश्चिम बंगाल में, और जुकोर ये नागालैंड में पड़ता है। अब हिल स्टेशन देखेंगे, पर्वतीय नगर देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में मैक्लोगंज, कसौल, कुल्लू, मनाली, शिमला, उलटौजी, धर्मशाला, ये क्या हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उत्तराखंड में रानीखेत, मैसूरी, नैनीताल। पश्चिम बंगाल में कलिंगपोंगा, दार्जिलिंग। सिक्किम में पोलिंग। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट और बर्मडोला। एक बार फिर से देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में मैकोलगंज, कसौल, कुल्लू, मनाली, शिमला, उलटौजी, धर्मशाला। उत्तराखंड में रानीखेत, मैसूरी, नैनीताल। पश्चिम बंगाल में कलिंगपोंग, दार्जिलिंग। सिक्किम में पोलिंग। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट, बर्मडोला। उत्तर के मैदान यानी निर्माण नदियों के द्वारा किया गया है। जानते हो कि उत्तर का जो मैदान है ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया गया है। आप इसका PDF पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।